ऐसा है भाई, ये 11:30 बजे का टाइम था, दिन तारीख 24 तारीख की रात की टाइम, अलग हम परेशान भूल भी सके का बहुत। हाँ सही है, बिल्कुल आप बहुत परेशान हो, तो शर्मिंदगी है कि हम बात भी ऐसे कर रहे हैं आपसे। 11:30 बजे वो यहाँ दरिंदे आ गए थे यहाँ पे। कितने लोग थे? वो लड़की तो बता रही है भाई, कुल 4 बता रही है, कोई कुछ बता रही है, वो तरह तरह की बात, कोई 7 बता रही है, मानसिक संतुलन ठीक है, वो लड़की कोई 7 बता रही है, कोई 4 बता रही है, कोई ज्यादा बता रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर में घबरा रही है, वो जाहिर है। तो हमने ये तो पता है नहीं भाई कितने हैं वही, तो वहाँ 11:30 बजे आ गए, उनने आके नहीं वहाँ, पहले तो मेरा मेहरबानी मारे हैं जो हमारे भतीजे भतीजे की आपके खास, हाँ जी खास भतीजे आपके, हाँ जी हाँ जी, आप उसी उसी परिवार में से, तो पहले तो मारे मार के नहीं, फिर उल्टी साइड लाए, उनके हाथ पैर बांध रखे जैसे हम आए हैं, उल्टे घेर रखे वो मुंह के बट, तो फिर हम फिर वो लड़की देखी हमने, यहाँ हमारी वो भतीजी भतीजे का जो हमारा जो बटे हुए दामाद है वो सोया था, वो यहाँ पे वो भी मार रखा था, वो भी बेहोश थे, एक बच्चा था, दो बच्चा थे, वो बच्चा भी बंधे हुए थे यहाँ पे। तो फिर हमने जाके पूछा लड़की इनसे, सारी बात हमने करी, तो फिर लड़की बता रही कि हम पहले वो मारे मामहर और मामी मारी, फिर ये मारे हैं भाई, अब हमसे पहले उन्हें देखना मार ली, जब हम घर में घेरे हैं, घर में किवाड़ लगा दिए हैं, फिर थोड़े बहुत उनमें जान ही फिर मारे हैं थोड़े बहुत, फिर हम हमारे गए, मैं जो बड़ी लड़की है तो वो अपने बच्चा को लेकर भाग गई, बच्चा को लेकर भाग गई वहाँ से देख के माहौल है, वो बच्चा उससे गिर गया अरहड़ में, तो बच्चा गिर गया तो वो काफ़ी आगे भाग गई, लड़की लड़की उस बच्चा का उसने पकड़ा टांग, उल्टा लटका लिया, लटका के नहीं कहने लगा, चक्कू उसकी नाड़ पर लगा लिया, इसकी साड़ी क्या भैया अलग कर दूंगा, वापसी आ जा वापसी आ जा, तो वो वापसी लड़की आ गई, फिर उसने अपना बच्चा की तो बड़ी ममता रहती है, जब लड़की आ गई तो लड़की ने उनके लिए अपना शरीर सौंप दिया भाई, तो फिर वो एक उससे जो छोटी है उसकी मौसी भी लगती है, ये 3 भाई हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे बटे हुए हैं, 3 भाई हैं, तीनों के लिए इसने अपने लड़की दे रखी है, 3 भाई हैं इसने 3 लड़की दे रखी है, वो लड़की बड़ी ही जो बस मिलने के लिए आ रही थी जो बच्चा की माँ थी, फिर वो छोटी लड़की से उन्होंने पहले कब्जा कर लिया था, तो उनने उसके लड़की के साथ उनने फिर बुरा भला करा, वो थोड़े से भी सिसके हैं तो जब वो आवाज़ मारे हालांकि वो बेहोश है, भाई देख लो तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, लड़की गैल, हाँ लड़की गैल जगह जगह के उन्हें होश मिला लगा पानी मार मार के, तो उनको दिखाने की कोशिश करी भाई देखो हम लड़की के तेरी लड़की क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं हम इनके साथ, फिर वो एक कहने लगा भाई तुम्हारी आते आते कहने लगा भाई तुम्हारी बिरादरी क्या है, उसने कही हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान हो, फिर वो अंदर गए घर में जाके नहीं, 2 कुरान रखी थी, सुनिए सब, 2 कुरान रखी थी, 2 कुरान रखी थी, कुरान उनने ठोकर मार के नीचे फेंक दी, उनने कही कि हम हैं मुसलमान, इस तरीका के तुम क्या मुसलमान हो, वो खिजालत कर रहे थे ना, उनके तुम क्या मुसलमान हो, फिर उनके लड़कियों के साथ उनने 3 घंटा से भी ज़्यादा उनने जो भी कुछ करा लड़कियों के साथ करा, हमारे से पूछा नहीं जाता लड़कियों से, हम उनके वो अगर बताती है तो हम रोक देते हैं, हमसे सुना नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, हमारी आत्मा एकदम खराब हो जाए, ये हरकत हुई है, और उनके जब लड़की पे प्यास लगी ना 3 घंटा का उसमें उनने उल्टा सुलटा करा जो भी, तो लड़की इनके लिए उनने उनको भाई इनके लिए वो जल दे, वो जल जब उनके लिए पेशाब पिलाए, अपना पेशाब पिलाए लड़कियों के लिए, ये हुआ यहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ जब ये रात जब गुजरी, दिन में क्या हुआ, मतलब पता कैसे चला आपको, मारा कैसे उनको, किस तरीके से मारा, उनको मारा था डंडों से, हथियार भी था, हथियार नहीं उन्हें चलाए नहीं, बता रही है लड़की, वो तो लड़की नाड़ पे लगाते थे हथियार डराने के लिए, चाकू ना वो बता, कोई कट्टा कोई रिवॉल्वर, अच्छा रिवॉल्वर, हाँ तो वो लड़कियों को डराने के लिए उनके बार बार जैसे लगाओ कोई बात ना करे तो उसकी नाड़ में लगाते थे, वो उनको 1 मिनट में मार दूंगा, देख लिए पड़े हैं 4, और जो बच्चा था वो जब हमें पता लगा है तो यहाँ से उसने जो लड़की थी उसे थोड़ी शुद्ध थी जो उनकी अलीसा की माँ थी,
तो उसको शुद्ध हो जाती थी कई बार, वो दो तीन घंटा दो एक घंटा बाद में उसे होश आई है थोड़ा, तो जब वो देखती जब वहाँ से आते तो वो ऐसे हो जाते जैसे वो मरी हुई है, और नहीं तो वो आराम आराम से अपने बेटा का हाथ खोलती थी, उसके पैर वहाँ हाथ बांध रख, जब वो आते तो फिर हाथ ऐसे कर लेती थी वो लड़की जो बता रही है। जी हाँ सर। फिर उसने जैसे यहाँ से चले गए, उसने लड़का खोल दिया, वो लड़का अपने नाना के पास गया है, नाना के लिए उसने जाके एकदम चिपट गया, रोके नहीं, नाना मामी बीमार दिया, मामा बीमार दिया, माँ बीमार दी, पापा बीमार दिया, और फिर उसने उस वो भी एकदम घबरा गए, उसने वहाँ से फ़ोन करा घर में, तो घर में फ़ोन करा तो वो उस जिसके पास फ़ोन करो वो हमारे पास पहुँचे, नुक तुम सो रहे वैसे इब्राहिम मार दिया, मैंने कहने लग मैं नहीं आ रही थी बट कहाँ हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए उसे बोल के कोई ऐसी बात नहीं थी। समय क्या हो गया था इसको? सुबह के तीन जब उस टाइम तीन बज के नहीं कोई पाँच मिनट का टाइम है जब मेरे को पता पड़ा था, तो फिर मैंने फ़ोन करा था, फिर जब उसने मेरे लिए बताया फिर दोबारा फ़ोन गया कि भाई इब्राहिम मरा हुआ है, ठंडा है बिल्कुल, और उल्टा पड़ा है, हाथ बंधे हुए हैं, आप पुलिस के पास फ़ोन करो। मैंने SHO के पास फ़ोन करा, वो 10 बज के नहीं कोई 13 मिनट पर करा था मैंने फ़ोन, SHO यहाँ वो 3 बज के नहीं वो आ गए थे यहाँ 20 मिनट बजे, जल्दी आया था, बहुत अच्छा आया था वो। फिर उसने फोटो तो वहाँ इसके उसके सामने हम यहीं थे वो सब कुछ, और वो फिर आके उसने फोटो उठ लिए, फिर थोड़ी देर पीछे कोई आधे पौने घंटे पीछे यहाँ IG आ गए थे, SP आ गए थे भी यहाँ पे, थोड़ी जल्दी आए इधर से, हम प्रशासन की तो हम वो नहीं कर सकते अभी, हमारे साथ भी देरी अभी तक, अब कागज हम देखते क्या करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम उनके लिए फांसी चाहते हैं जी, और 20 चौराहे पे फांसी लगे ताकि ऐसी दरिंदगी कोई ना कर पाए जो हमारे साथ गुजरी है। बिल्कुल सही है। ये लोग जो आप कुछ लोग पकड़े गए, हाँ, तो आपको क्या लगता है ये लोग जो पकड़े गए हैं सही लोग हैं? ये सही लोग हैं। आप कैसे कह सकते हैं? हमने लड़कियों को बुरा ना बताया ऐसा है जी, हमने लड़कियों के लिए फ़ोटो दिखाए थे मैंने उनके लिए, अच्छा, लड़की ने वो कह दिया कि हाँ यही है। अच्छा, हाँ। तो ये तो क्या प्रूफ है? प्रूफ है, पर ये पता पड़े कि इसमें और कितने हैं, हमें अच्छा। तो पता नहीं लड़कियों को पता। मेरे जहन में कोई बात आ रही थी आप जब कह रहे थे, हाँ, कि ये लोग क्यों इतना गुस्से से कर रहे थे, कोई बात ऐसा पहले कुछ हुआ था? मैं बताता हूँ, ऐसा इससे पहले मुझे गांव में कुछ हुआ था? इसमें आज तक गांव में कोई रंजिश नहीं है, इन इस परिवार की तो किसी से है ही नहीं, हम चल थोड़े भाई हर आदमी थोड़ी बहुत हो जाए, इस परिवार की ना कोई रंजिश है, आज तक लड़ाई नहीं है, आज तक कोई लड़ाई नहीं है इस परिवार की, ना कोई झगड़ा है, दरअसल लड़कियों के ऊपर कोई है या कोई डकैती के उनका मन था वो तो देख वो ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते, इनकी रंजिश नहीं परिवार किसी से भी लड़ाई। और कोई आपको ऐसा लगता है कि अभी वो उस किस्म का डर लोगों पे है अभी? हाँ डर है, हमारे बच्चे अभी तक घर में नहीं सो रहे। तो ये गांव में आप लोग अब नहीं रह रहे? ना गांव में ही रह रहे हैं, पर ऐसे कितने घर हैं गांव में? यहाँ तो नहीं रह, यहाँ गांव में घर हैं, ये जंगल खेत में रह रहे हैं, समझ रहा हूँ, ऐसे यहाँ ढाणियों में रहते हैं, तो ढाणियों में बाजू के ढाणियों में भी लोग रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे कई लोग रहते होंगे। हाँ हाँ, काफी। तो कभी कोई ऐसा कोई बात नहीं? ना आज तक नहीं हुआ, पहला हादसा हुआ ये जो इस तरह का। और कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाह रहे हैं? आपको कितना उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? ये जी हम अभी अंधेरे में, हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो सामने आने पे पता लगेगा। तो लोग हमारे साथ इंसाफ होगा। यहाँ के लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा? यहाँ के लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा, हर आदमी के दर्द है, 36 बिरादरी के, हर मजहब का आदमी, बहुत अच्छी बात। हाँ, हमारे यहाँ दरअसल 36 बिरादरी का बहुत अच्छा रहा है, सारे हिंदुस्तान से अलग है यहाँ परंपरा, आते जाते हैं, कोई भात भी भरते हैं जैसे, और बहुत शादी में आते जाते हैं सारे, तो सबको दर्द और सब पीड़ा है, सबको दर्द और पीड़ा है।